सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे अभी रेलवे शेयरों को लेकर। तो रेलवे के कुछ एक शेयरों में आप लोग देखोगे बड़ी खबरें आते हुए नज़र आई है, ऑर्डर्स भी मिले हैं, क्वार्टर रिजल्ट डेट्स भी आते हुए नज़र आ रही है भाई। तो सब कुछ डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। और अभी के टाइम आप लोग देखो रेलवे के शेयरों में बड़ी गिरावट है, और इसी बीच रेलवे के एक शेयर को एक्सपर्ट्स की तरफ से भी दिवाली पिक के लिए चूज किया गया। तो वो कौन सा शेयर है जो दिवाली पिक के लिए चूज किया गया और आने वाले टाइम में इसको जो है अभी 350 रुपये तक के टारगेट्स के लिए बोला है, अभी टाइम 200 रुपये के रेंज में आया हुआ है। तो चलिए अभी जानते डिटेल में और वन बाय वन करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। BML आप लोग देखोगे भी अभी पीछे ही शेयर में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी भी, जब ये न्यूज आई थी कि इसको जो है बुलेट ट्रेन बनाने का, पहला जो इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन बनेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली। बट अभी का टाइम आप लोग देखोगे क्या है, ये ऊपर से टूट रहा है क्योंकि पूरी मार्केट में गिरावट अभी इस वजह से, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल पैनिक ना हुई है, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले हैं, वो अभी इसका जो ना अभी आगे रिजल्ट्स वगैरह आएगा उसका वेट करो, डेट वगैरह अब तक अनाउंस नहीं है रिजल्ट्स के। कंटेनर कॉर्पोरेशन है, ये भी आप लोग देखोगे ऊपर से काफी ज्यादा फिसल चुका है अभी। अभी के टाइम इसके ऊपर कोई भी अपना जो ना अभी एक्शन मत लेना, बाय का, सेल का, होल्ड का, कुछ भी नहीं बोलने वाले इसके ऊपर भी। अभी और दबाव बन सकता है आगे, जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर प्रेशर है इस लिहाज से अगर देखा जाए, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक सही है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है। अब देखोगे इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल में बहुत बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिली भी। टैक्स मैकोरेल और इरकॉन इंटरनेशनल और BML तीनों शेयर 6% के ऊपर में फिसलते हुए नजर आए। 6.5% के करीब इरकॉन इंटरनेशनल में गिरावट बनी है, और ये दिवाली के लिए जो अभी एक्सपर्ट्स की तरफ से पिक किया गया स्टॉक है, और इसके अंदर जो अभी एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। 45% शेयर क्रैश हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर अभी है, ठीक है। और वैल्यूएशन के हिसाब से अभी के टाइम बहुत सस्ता है, और मार्केट के सेंटिमेंट के अनुसार ये जो स्टॉक गिरा है नीचे में, और अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी लगभग वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ता है, 20 के पी पर ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 20-21 के पी पर, और 45% क्रैश हो चुका है। तो बड़ा मौका है इन्वेस्ट करने का, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक पिक साबित हो सकती है भैया। और देखो खरीदना या नहीं खरीदना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। IRFC है, यहाँ पर न्यूज़ आई है, भी न्यूज़ आपको दिखाएंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक भी काफ़ी बड़ी गिरावट में आ चुका है। तो 137 के भाव में भी अगर SIP स्टार्ट करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं अगले 1 से 2 साल के लिए भी। देखो 200 रुपये के भाव से स्टॉक टूटा है, तो वहाँ तक तो ये जाएगा, उसके लिए 1 साल का भी टाइम लग सकता है अभी, यानी डबल हो सकता है यहाँ से। तो मौके हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। चलिए खबर देखते हैं, खबर की बात करें तो यहाँ पर देखो अभी कंपनी की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया आज की डेट में, और यहाँ पर जो कंपनी है NSE BSE की साइट पर चेक कर सकते हो, अभी अपनी बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग सूचना दी है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग रखी गई अभी 4 नवंबर को, और यहाँ पर कंपनी अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है डिस्क्लोज करने जा रही है, तो तैयार रहना। अभी कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है, इसके जो रिजल्ट है वो आप लोग देखोगे कब आएंगे, और ये आएंगे भी 4 नवंबर को। और इसी के चलते आप लोग देखोगे भी कंपनी ने डिविडेंड के लिए भी ऐलान किया है, और डिविडेंड के लिए जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी तय की है 12 नवंबर, लेकिन इस रिजल्ट्स के दौरान कंपनी जो भी डिविडेंड का ऐलान करते हुए नज़र आने वाली है, इंटरम डिविडेंड का, ठीक है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। तो चलिए भी अब देख लेते हैं अगले शेयरों में कैसा क्या माहौल। अगर इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, भी होल्ड करके चल सकते हैं। अगला शेयर है अभी रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास को लेकर मैंने आपको पीछे भी समझाया था, अभी देखो जब ये हाई प्राइस पर 500 के ऊपर में था, 600 के आसपास पहुंचा, तब भी मैंने आपको वहां से भी अवेयर किया था, देखो ये स्टॉक में गिरावट बन सकती है क्योंकि जो दूसरे स्टॉक है वो 30-35% क्रैश हो चुके हैं, और ये स्टॉक जो शेयर है वो 10-15% टूटा हुआ था हाई से, और इसमें भी बड़ी गिरावट के संकेत थे। ये स्टॉक भी 30-35% 40% तक क्रैश हो सकता है ऊपर से, और वो आपके सामने ब्याज 450 के भी नीचे में आ गए, जबकि कल के दिन न्यूज आई थी यहाँ पर तो कि सऊदी अरेबिया के अंदर आप लोग देखोगे कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना रही है, तो अपने बिजनेस का तो ये एक्सपेंशन करी, उसके बावजूद भी इस स्टॉक के ऊपर हमें दबाव देखने को मिला। इसके अंदर अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, डेट वगैरह जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की वो अपडेट नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। रेलटेल कॉरपोरेशन, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आई है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो रेलटेल कॉरपोरेशन ने मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नोटिस पब्लिश किया है भाई NSE BSE की साइट पर, इसे भी आप लोग चेक कर सकते हो जाकर के। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि इसको एक ऑर्डर मिला है अभी रेलटेल कॉरपोरेशन को, ये मिला साउथ ईस्टर्न रेलवे से फॉर वर्क अमाउंटिंग जो रहेगा अब इसका 36,78,15,825 रुपये, और इसके अंदर जो है इंक्लूडेड रहेंगे टैक्सेस वगैरह,
ठीक है। तो ये कंपनी ने बड़ी सूचना दी है मार्केट क्लोजिंग के बाद आए, तो आई होप कल मार्केट में अच्छी रिकवरी बन पाए या फिर मार्केट टिक पाए। उस कंडीशन में अगर हो जाता है तो ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है अभी कल के दिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला रहेगा अभी राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड ने भी बड़ी सूचना दी अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद। हालांकि ये स्टॉक भी आप लोग देखो बड़ी गिरावट में आ चुका है अभी अपने हाई प्राइस से, 200-300 रुपए के भी नीचे निकल गए अभी के टाइम तो। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक में भी एक अच्छा मूव आ सकता है अगर कल दिन बाजार संभलते हैं, खबरों का भी असर रहेगा। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। एक तो आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें रेजिग्नेशन देखने को मिला है अभी, जो कि इसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया है। यह आप लोग देख सकते हो अभी दिनेश ढांडा, दिनेश नंदा इनकी तरफ से जो ना अभी आप लोग देखोगे दिनेश आनंदा जो है उनकी तरफ से ये दिया गया। दिनेश आनंदा गोस्वामी जी हैं, इन्होंने रिजाइन दिया। अभी कोई ऐसा मेटेरियल रीजन तो इन्होंने नहीं बताया है, हालांकि जो रिजाइन दिया है इसका इम्पैक्ट आ सकता है अभी इसके ऊपर। हालांकि इसके अलावा आप लोग देखोगे एक न्यूज़ और आई है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो राइट्स लिमिटेड की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया अभी एक और। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि इसको जो ना अभी एक ट्रंकी प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट रहने वाली थे 30 महीने में कंपनी इसे जो ना अभी कंप्लीट कर देगी, एग्जीक्यूट डेट रहेगी ये। और इसका जो टोटल ऑर्डर का कॉस्ट है वो लगभग 453.99 करोड़ रुपये है। ठीक है, इसके अंदर जो इंक्लूड एक्सक्लूडिंग GST वगैरह टैक्स वगैरह बाहर रहेंगे भी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस है वो इसके अंदर रहेगी, इंक्लूड है। तो ये टोटल अपडेट्स है। यहाँ पर जो कंपनी है वो 22 तारीख को अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नोटिस पब्लिश करते हुए नजर आई है। तो जाहिर सी बात अभी अगले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के दिन इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा जो रेजिग्नेशन दिया है ना उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रहेगा अभी टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये स्टॉक भी 40% के करीब क्रैश हो चुका है अपने हाई से, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी मार्केट में जो माहौल बना हुआ, जो सेंटिमेंट बना हुआ मार्केट में, वो इम्पैक्ट डाल रहा है भाई। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपने क्वार्टर रिजल्ट की डेट जो अभी अनाउंस कर दी गई है, यहाँ पर देखोगे 26 अक्टूबर को सैटरडे के दिन कंपनी अपने रिजल्ट डिस्क्लोज करने वाली है भाई। तो जैसे रिजल्ट्स आएंगे इसके हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो आप लोग। तो ये टोटल अपडेट्स हैं और इन्हीं अपडेट्स के चलते ये स्टॉक हमें कल के दिन एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।